टीम इंडिया में गब्बर के नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी शिखर धवन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया। संन्यास का ऐलान करते हुए शिखर ने कहा कि नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ से मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ढेरों यादें नजर आती हैं और जब आगे देखता हूँ तो पूरी दुनिया। मेरी हमेशा से एक ही इच्छा थी, इंडिया के लिए खेलना, और ऐसा हुआ भी। इसके लिए मैं कई लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरा परिवार, मेरे बचपन के कोच तारिक सिन्हा, मदन शर्मा जिनके अंडर मैंने क्रिकेट सीखी, फिर मेरी टीम जिनके साथ मैं वर्षों तक खेला, एक नया परिवार मिला, नाम मिला, साथ मिला, ढेर सारा प्यार मिला। कहते हैं ना कि कहानी में आगे बढ़ने के लिए पन्ने पलटने जरूरी हैं। बस मैं भी ऐसा ही करने जा रहा हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर रहा हूँ। धवन ने कहा कि अब जब मैं इस क्रिकेट यात्रा को अलविदा कह रहा हूँ तो मेरे दिल में एक सुकून है कि मैंने लंबे समय तक अपने देश के लिए खेला। मैं BCCI और DDCA को भी शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। मैं अपने फैंस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं बस खुद से यही कहता हूँ कि तुम इस बात से दुखी मत हो कि अब तुम देश के लिए नहीं खेलोगे, बल्कि इससे खुश हो कि तुम देश के लिए बहुत खेले। कि तू अपने देश के लिए फिर नहीं खेलेगा, पर इस बात की खुशी अपने पास रख कि तू अपने देश के लिए खेला, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, मैं खेला। और बड़ी खबरों के लिए देखते रहें hindnews.live।